कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहती, लिहाजा प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बैठक में ये निर्देश दिए हैं कि महिला संबंधी अपराधों पर तत्काल एक्शन लिया जाए और किसी तरह की कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड सरकार एक तरफ अंकिता मर्डर केस में अंकिता और किरण नेगी को इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी पहलुओं पर राय मशवरा कर रही है, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। सचिवालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बाबत अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि महिला संबंधी अपराधों पर तुरंत एक्शन लेकर कार्रवाई की जाए और किसी तरह की कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री धामी ने ये भी साफ कर दिया है कि महिला संबंधी अपराधों में लापरवाही बरतने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वक्त पर मामलों का निस्तारण करने पर प्रोत्साहित भी किया जाएगा। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर आज ये बैठक हमने की है। ऐसे सभी मामले जो घरेलू हिंसा के हैं, यौन हिंसा के हैं या अन्य अपराध के हैं, उन महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी है, उन सब पर एक तो त्वरित रूप से कार्रवाई हो। प्रत्येक थाने पर एक महिला अधिकारी सब इंस्पेक्टर स्तर की जो है इस जांच में लगाई जाए और जितने भी मामले दर्ज होते हैं उन पर ठोस पैरवी हो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, इसकी नियमित रूप से मासिक समीक्षा करें और जो मामलों में अच्छी कार्रवाई हुई है उन सभी को हम जहाँ प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, वहीं अगर जो कोई जिम्मेदार जो लोग भी इसकी पैरवी में कम पैरवी करने वाले या ठीक प्रकार से पैरवी करने वाले नहीं होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात करी है। इस मौके पर दो ऐप को भी लॉन्च किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर गौरव शक्ति ऐप के जरिए महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगी। इस ऐप को लेकर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का ये कहना है कि शिकायत और मुकदमा दर्ज कराने के कई ऐप हैं, लेकिन इस ऐप के जरिए शिकायत के साथ सरकार ये भी तय करेगी कि संगठित और गैर संगठित क्षेत्र में कितनी महिला कर्मचारी कार्यरत हैं। सबका रिकॉर्ड राज्य सरकार मेंटेन करने के साथ महिलाओं से संपर्क कर हर 15 दिन में अपडेट लेगी। इसके साथ उनकी सभी जानकारियों को गोपनीय रखा जाएगा। हम लोग चाह रहे हैं कि महिलाओं को एक बेहतर वातावरण मिले जिससे अधिक से अधिक महिलाएं काम करने के लिए बाहर आएं। इससे जो जो बालिकाओं के माता पिता हैं वो भी थोड़े आश्वस्त होंगे कि अगर हमारी बेटी बाहर काम करने जा रही है तो उसको एक सुरक्षित माहौल मिलेगा। इसी उद्देश्य से इस ऐप का लॉन्च किया है। पुलिस के ऐप को डाउनलोड करना है और फिर गौरा शक्ति वाले बटन को दबाना है। उसमें आपका बेसिक डेटा आएगा जो बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा। वो सिर्फ जो थाने पर महिला सब इंस्पेक्टर है उसी के पास वो जाएगा और किसी को नहीं पता चलेगा कि आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ। और हर 15 दिन में जो महिला सब इंस्पेक्टर है वो उनको कॉल करके उनकी कुशलता पूछेगी। अगर उसको किसी भी प्रकार की समस्या है वो गोपनीय तरीके से उस महिला सब इंस्पेक्टर को बता सकती है, वो उसकी एक बहन के रूप में उससे पूछेगी। कानून व्यवस्था में सुधार लाने के साथ महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के मकसद से लॉन्च किए गए ऐप के जरिए यकीनन महिलाओं को फायदा होगा, मगर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वक्त वक्त पर उठने वाले सवालों को अगर जड़ से खत्म करना है तो धरातल पर काम करना बेहद जरूरी है। साथ ही सरकार को महिलाओं को ये भी सुनिश्चित कराना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार वाकई गंभीर है, तभी ये सार्थक कदम साबित होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।